चलो गाइस, तो आज की वीडियो में बनने वाले एक इमरजेंसी लाइट, आपको पता होगा मार्केट जैसे हम बनाने वाले हैं, मार्केट में एक ब्लैक कलर की इमरजेंसी लाइट मिलती है, वो अपन घर पे बना देंगे बहुत चीप रेट में। इसको कैसे बनाते हैं सोशल एनर्जी वीडियो पे चैनल पर ही आपको समझ आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चैनल पे नहीं हो चलो गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बनाना स्टार्ट कर दी। तो गाइस, इसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं बैटरी। तो गाइस, इतनी बड़ी वाली बैटरी आपको यूज नहीं लेनी है, क्योंकि गाइस ना इतना बड़े हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपने चैनल पे सबसे छोटी इमरजेंसी लाइट नहीं है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं एक छोटी सी बैटरी, ये होगी 100 mAh की बराबर से। ये M19 ईयरबड्स ये फोन रहते हैं जिससे निकली है मैंने, जैसे कुछ इस पार्ट से आपको भी ये ले लेनी है, आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। ओके गाइस, कुछ इस पार्ट से आपको ये ले लेनी है। इसको चार्ज करने के लिए एक लिथियम आयन चार्जिंग मॉड्यूल, जैसे कुछ इस पार्ट जिस प्रकार से आपको ले लेना है, टाइप सी या टाइप बी भी ले सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको चार्जिंग मॉड्यूल ले लेना है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हम पुश एंड स्विच ले रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा स्विच यही होता है। ओके, इससे भी छोटे आते पर वो मेरे पास नहीं है। वो गाइस, वो स्लाइड स्विच लगाते पर ही ना ये अच्छा ये वाला सही रहेगा, जिससे ना ऐसे अपन दबा के इसको यूज ले सकेंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको भी ये ले लेना है पुश एंड स्विच। और लाइट के लिए हम ले रहे हैं 1 वोल्ट की LED लाइट, जैसे कुछ इस पार्ट से इसकी एक लाइट लगाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, वो अपने ना जिससे ना पोर्टेबल भी बन सकेगी। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से आपको ले लेनी है 1 वोल्ट की LED लाइट। और पी शीट से आपको कुछ इस प्रकार से ना ये चौकूर हम रेक्टेंगल शेप, जैसे देखो यहाँ से थोड़ी या छोटी है और यहाँ से लंबाई बड़ी है, वो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। जैसे कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना है, इतना चार्जिंग मॉड्यूल के हिसाब से बनाया था मैंने, इसलिए इतना बड़ा हो रहा है, वैसे इतना छोटा ही बनता पर। ओके गाइस, जैसे कुछ इस प्रकार से इतना लगाएंगे, इसलिए पहले इसको नीचे चिपकाएंगे। ओके गाइस, जल्दी से इसको पहले ना पी शीट से नीचे चिपका लेते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पे पीस चिपका लिया, गाइस इसको ना सेंटर पे अच्छे से रफ कर लेंगे फिर बाद में। ओके गाइस, पहले यहाँ पे ना एक चार्जिंग मॉड्यूल लगा लेंगे। ओके, जल्दी से इसको पहले चिपका लेंगे अच्छे से, यहाँ पे इसको चिपका देते हैं अंदर। ओके, इसको हमने चिपका लिया जैसे कुछ इस प्रकार से, अब इससे 2 वायर निकाल लेते जल्दी से। तो गाइस, ये वाला ना इसमें ब्लैक टेप लगी है, जो ना माइनस है और ये प्लस है। ओके गाइस, इसको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और 2 वायर यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेंगे। ओके, ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, जल्दी से अभी इसको पहले कनेक्ट कर लेते। तो देखते हैं कुछ इस बार यहाँ पे बैटरी तो अच्छे से लग गई आपके सामने, अभी कैसे यहाँ पे 2 वायर निकाल लेते जल्दी से प्लस माइनस। तो देखते हैं कुछ इस बार यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे ना निकल चुके हैं, इनको एक्स्ट्रा लेगो कट कर लेते जल्दी से। तो देखते गाइस, मैंने कुछ इस प्रकार से पीवी शीट पे ऐसे कर लिया है, जिससे अपने को मार्किंग कर लिया है कुछ इस प्रकार से, जिससे पर हम अपन काम कर सके, जिसपे अपन LED लगा सके। देखते कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा। इस पर क्या करेंगे, पहले ना ये स्विच LED लाइट का ना यहाँ पे इसको चिपकाएंगे और यहाँ पे एक नीचे स्विच का यहाँ पे कटआउट करेंगे। जल्दी से यहाँ पे कटआउट हो गया, निकाल लेते हैं जल्दी LED लाइट। तो देखते गाइस, मैंने थोड़ा स्विच को इधर साइड में लगाया, क्योंकि ना इसे अच्छे से चला सकेंगे अपन। ओके, तो देखते भाई, मैंने अब ग्लू गन लगा लिया है, अब क्या करते हैं इसमें ना LED लाइट को चिपका देंगे इसके ऊपर। पहले गाइस इसके कनेक्शन कर लेते हैं, ये इसको चिपका तो हमने दिया है, अब क्या करते हैं इसकी लेग को यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे एक वायर लगाएंगे इसमें, यहाँ पे प्लस पे जोड़ देंगे, ये माइनस को यहाँ पे लगा देंगे, फिर बन के LED होगी अपनी LED लाइट। ओके, रिचार्जेबल कूलर नहीं चलाएगी। तो गाइस, जैसे कुछ इस पास हमने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे इसको थोड़ा पी शीट चिपकाई जिससे स्विच अंदर ना जाए, और जैसे कुछ इस पास हो चुका है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे बैटरी को, अब इसको जल्दी यहाँ पे चिपका लेते हैं जल्दी से। ओके, ऐसे कुछ इस प्रकार सिस्टम बन के रेडी हो चुका है। तो देखते गाइस, कुछ इस प्रकार बन के रेडी हो चुकी है, गाइस इसको थोड़ा सॉफ्ट रफ कर लेंगे जिससे अच्छा सा लुक आ सके। तो गाइस, अब इसकी टेक्सचरिंग देते हैं, गाइस देखते हो ये भी ना इसको चलाते हैं, देखते हो गाइस कुछ इस प्रकार इसको दबा के रखना पड़ता है जैसे चलती है। अब इसको स्टूडियो की लाइट ऑफ कर दी, थोड़ी बहुत कम कर दी है, दिख रही होगी आपको, अब ना पूरी बहुत कम हो चुकी है, देखो ऐसे दबाया मैंने, ओ भाई देख सो गाइस कितनी ना ब्राइटनेस, इसको आप साइकिल में भी लगा सकते हो, और कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो चुके हैं। गाइस, आप पुश एंड स्विच की जगह पे ना स्लाइड स्विच लगा लेना, जिससे आपको ना दबा के नहीं रखनी पड़ेगी। ओके गाइस, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कितनी अच्छी से ब्राइटनेस है इसकी, ये तो कुछ इस प्रकार से। तो देख सो गाइस, कुछ इस प्रकार से गाइस की ब्राइटनेस। तो गाइस, आपको ये लाइट कैसी लगी मैं कमेंट कर सकते ना, देख सो गाइस कुछ इस प्रकार यहाँ पे टाइप सी लीड लग जाएगी, इससे अच्छे रिचार्ज हो सकेगी। ओके गाइस, तो आपको ये टॉर्च की नहीं लगेगी, अच्छी लगे लाइक करना बनता है गाइस, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं इसलिए लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। गाइस, कितनी ना छोटी सी और कितना बनाना सिंपल है, और देख तो गाइस कितनी अच्छी से वर्क करती है। तो आपको गाइस कैसी लगी मेरे कमेंट, स्वयं पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।